स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाना बनाने के लिए सही तेल का उपयोग करें। हमारे देश में लोग तरह तरह के तेल को यूज़ करते हैं। कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, कुछ लोग सोया का तेल यूज़ करते हैं। आजकल मूंगफली का तेल भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, पर क्या वाकई ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग हेल्दी। मैं हूँ ऋचा शर्मा। आइए जानते हैं मूंगफली के तेल के फायदे और नुकसान। मूंगफली के तेल को अलग अलग तरह से प्रोसेस किया जाता है और इसके पौष्टिक गुण और स्वाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसे कैसे प्रोसेस किया गया है। पहले तरीके का मूंगफली का तेल होता है रिफाइंड मूंगफली का तेल। किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो या फिर मूंगफली का तेल, सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा तापमान पर प्रोसेस किया जाता है, जिससे तेल के सारे पौष्टिक गुण नष्ट हो जाते हैं। रिफाइंड ऑयल ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में यूज किया जाता है। दूसरी तरह का तेल है कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल, जिसे हम कच्ची घानी का तेल कहते हैं। यह तेल मूंगफली के दानों को पीस कर निकाला जाता है। इस प्रोसेस में हीट कम दी जाती है, इसलिए तेल का नेचुरल फ्लेवर और पौष्टिक तत्व काफी हद तक तेल में रह जाते हैं। कच्ची घानी का तेल, चाहे सरसों का हो या फिर मूंगफली का, हमारी सेहत के लिए रिफाइंड ऑयल की तुलना में अच्छा होता है। एक और तरह का तेल है गॉरमेट मूंगफली का तेल। ये मूंगफली के दानों को भून कर निकाला जाता है और इसमें मूंगफली की तेज खुशबू आती है। इसके अलावा एक और प्रकार का तेल होता है मिश्रित मूंगफली का तेल। कई बार मूंगफली के तेल को किसी और तेल के साथ मिला दिया जाता है। मूंगफली के तेल में 20% सैचुरेटेड फैट, 50% मोनो अनसैचुरेटेड फैट और 30% पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होने के कारण और हाई स्मोकिंग पॉइंट होने के कारण इस तेल को ज्यादातर तलने के लिए यूज किया जाता है। आइए अब जानते हैं मूंगफली के तेल के कुछ फायदे। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। सिर्फ एक चम्मच मूंगफली के तेल में 11% विटामिन ई का रेकमेंडेड डेली इंटेक होता है। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करता है। अगर फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएं तो ये बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करता है। विटामिन ई से बहुत से रोग, जैसे हृदय रोग, कैंसर और मोतियाबिंद से हमारी रक्षा होती है। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है और बैक्टीरिया और वायरस से हमारी रक्षा होती है। नंबर 2, मूंगफली का तेल इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। मूंगफली का तेल डायबिटिक लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होने के कारण ये डायबिटिक लोगों को ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी सहायता करता है। जब हम सैचुरेटेड फैट की जगह पॉली अनसैचुरेटेड फैट यूज करते हैं, तब हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इंसुलिन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हमारे सेल्स की सहायता करता है और ब्लड में शुगर को बढ़ने से रोकता है। नंबर 3, हृदय के स्वास्थ्य के लिए मूंगफली का तेल अच्छा है। मूंगफली के तेल में पाए जाने वाले मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट दोनों हृदय की बीमारियों को कम करने के लिए जाने जाते हैं। सैचुरेटेड फैट की जगह अगर हम अनसैचुरेटेड फैट का उपयोग करेंगे तो ये खून में LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को ही कम करने में सहायता करेगा। ये दोनों ही चीजें हृदय की बीमारियों का कारण होते हैं। इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए अपने खान पान में जितना संभव हो सैचुरेटेड फैट को कम शामिल करें। नंबर 4, सुंदर चमकदार त्वचा। विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाने के कारण मूंगफली का तेल हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। ये त्वचा को पोषण देता है और स्वस्थ रखता है। ये त्वचा की काले दाग धब्बों और झुर्रियों से रक्षा करता है और त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बनाए रखता है।
नंबर 5, बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल बालों में पोषण की कमी को दूर करता है और बालों को मजबूत बनाता है। बालों में रूसी के लिए 1 चम्मच मूंगफली के तेल में आधा नींबू का रस डाल दें और इसमें कुछ बूंदे टी ट्री का ऑयल डालकर हल्के हाथों से सर पर मालिश करें। 2 घंटे बाद सर धो लें। ऐसा कुछ दिन करने से रूसी से छुटकारा मिलेगा। मूंगफली के तेल के इतने फायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। मूंगफली के तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट होने के कारण ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के कारण कई बार शरीर में सूजन की परेशानी हो सकती है। इस सूजन से कई बीमारियां जैसे मोटापा, फैटी लिवर, आर्थराइटिस और इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो मूंगफली के तेल के बहुत से फायदे हैं, पर इसके साथ ही इसके नुकसान भी हैं। इसलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं पर कभी कभी करना चाहिए। इसके साथ साथ आप कभी कभी सरसों के तेल को भी यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल के अद्भुत फायदे जानने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। देसी गाय के घी के भी सेहत के लिए अद्भुत फायदे हैं। इस पर जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन वीडियोस को देखकर आप अपनी लाइफस्टाइल और सेहत के अनुसार तेल उपयोग में ले सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह के तेल का उपयोग कम ही करें। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि रिफाइंड तेल का नहीं बल्कि कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी का तेल ही यूज करें। साथ ही अच्छी सेहत के लिए कभी सरसों का तेल, कभी कभी मूंगफली का तेल और सबसे अच्छा देसी गाय का घी उपयोग में लें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप खाना बनाने के लिए कौन सा तेल यूज़ करते हैं। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See you in the next one. Stay healthy, stay happy.